घातक के लिए पवन सिंह ने वो किया जो अभी तक उन्होंने किसी फिल्म में नहीं किया था। जी हाँ, आपको तो याद होगा पवन सिंह का नेवल वाला सिग्नेचर स्टेप। जी हाँ, ये सिग्नेचर स्टेप इन्होंने इस फिल्म में न चांदनी सिंह के साथ दोहराया, न फिल्म की एक्ट्रेस के साथ दोहराया, न फिल्म में आइटम सॉन्ग कर रही लवी रोहतगी के साथ दोहराया, किसी के साथ नहीं दोहराया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। घातक फिल्म पवन सिंह के कैरियर के लिए भी बहुत बड़ी फिल्म है। अगर यह फिल्म हिट होती है तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर होगी। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि घातक फिल्म के सारे गाने धीरे धीरे ही सही लेकिन लोगों के कानों में गूंज रहे हैं। जी हाँ, लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। सारे गाने काफ़ी मेलोडियस हैं, खासकर शहर अफसा और पवन सिंह का रोमांटिक सॉन्ग जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। फिर उसके बाद ये कि इस ट्रेलर को दो बड़े YouTube चैनलों पर रिलीज़ किया गया है और दोनों YouTube चैनलों पर रिस्पांस बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। जी हाँ, 7 घंटे में दोनों ही YouTube चैनलों पर अगर मिलाया जाए तो 5 लाख से ऊपर का व्यूज़ जा चुका है और लोग इस ट्रेलर को बहुत पसंद भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इस पूरे ट्रेलर में कहीं भी अश्लीलता आपको नज़र भी नहीं आएगी। जी हाँ, अश्लीलता से जो कि पवन सिंह हमेशा कहते हैं कि भोजपुरी को अब दूर हो जाना चाहिए, तो भोजपुरी से ये अश्लीलता दूर हो रही है। साथ ही साथ एक सोशल मैसेज देती हुई एक फिल्म है जो ये बताती है कि किस तरह से अन्याय के खिलाफ लोगों को उठना चाहिए, शांत नहीं रहना चाहिए और विधवा पुनर्विवाह पर पुरजोर सपोर्ट है ये फिल्म, क्योंकि यह फिल्म विधवाओं के पुनर्विवाह को सपोर्ट करती है। यहाँ किस तरह से फिल्म का हीरो कुंदन नंदिनी को अपना दिल दे बैठता है और उसे बाद में पता चलता है कि वो विधवा है तो भी वो अपने प्यार को कम नहीं करता है और उसे पाने के लिए वो जमाने से लड़ जाता है। खैर, कई मामलों में पवन सिंह की यह फिल्म खास है। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग ये कहते हैं कि पवन सिंह जो वो नेवल वाला स्टेप करते हैं कि काफ़ी बेहुदा बचकाना लगता है, ये स्टेप इन्हें नहीं करना चाहिए, अमूमन वो हर एक फिल्म में करते हैं, सभी हीरोइनों के साथ उन्होंने वो स्टेप दोहराया हो, चाहे वो आम्रपाली हो, काजल हो, अक्षरा हो, यानी भोजपुरी की सारी बड़ी हीरोइनों के साथ उन्होंने ये स्टेप किया है। लेकिन अब इस स्टेप से भी हाय तौबा कर ली है, लेकिन अब शायद किसी भी गाने और फिल्म में ये सिग्नेचर स्टेप पवन सिंह का नहीं दिखेगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।